चांद पर जय हिंद। जी हां, भारत लिखने जा रहा है अंतरिक्ष में कामयाबी का नया इतिहास। चंद्रमा पर हिंदुस्तान की कामयाबी का परचम लहराने वाला है। धरती पर भारत दुनिया की महाशक्तियों में पहले ही शामिल हो चुका है और अब चंद्रयान 3 के जरिए वो अंतरिक्ष में भी हिंदुस्तान का जयघोष होना निश्चित है। 14 जुलाई को जब चंद्रयान 3 चांद की तरफ रवाना हुआ था तो करोड़ों लोगों की दुआएं और शुभकामनाएं उसके साथ थी और 140 करोड़ लोगों की मंगल कामना और आशीर्वाद के साथ चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर अपनी काबिलियत से इस मिशन को ऐसा आकार दिया जिसके दम पर पृथ्वी से 384,000 किलोमीटर दूर चांद तक का सफर कर चंद्रयान 3 पर भारत की अंतरिक्ष क्रांति की गाथा लिखने वाला है। आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए चांद पर लिए चलेंगे और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हर एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। हम आपको चंद्रयान 3 के पूरे सफर की वर्चुअल झांकी दिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसरो के वैज्ञानिक चांद को फतह करने का मिशन किस तरह से चला रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान के इस मून मिशन को किस तरह से डिजाइन किया गया है। सबसे पहले चंद्रयान 3 की खासियत देखिए। दरअसल 3,900 किलोग्राम वजन के इस यान को बनाने में 615 करोड़ रुपए खर्च हुआ। चांद तक पहुंचने के लिए यानी 384,000 किलोमीटर की दूरी यह करीब 42 दिन में पूरा करेगा। 14 जुलाई को शुरू हुआ यह मिशन अब जल्द पूरा होने वाला है जो भारत को दुनिया में स्पेस पावर के रूप में स्थापित कर देगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको चंद्रयान मिशन की खास बातें जल्दी से बता देते हैं। जब लैंडर विक्रम चांद पर लैंड करेगा तो भारत इतिहास रचेगा। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश भी बन जाएगा और बिना किसी विदेशी मदद के इतने बड़े मिशन की कामयाबी से हिंदुस्तान की तकनीकी क्षमता पूरी दुनिया में स्थापित होगी। विश्व भारत का लोहा मानेगा। साथ ही इस मिशन से न केवल दुनिया में भारत का मान बढ़ेगा बल्कि स्पेस पावर बनने पर और सबसे कम खर्च में ऐसी मुश्किल मिशन की कामयाबी पर भारत ग्लोबल स्पेस मार्केट में और मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा। आगे कई देश भारत से तकनीकी मदद मांगेंगे और इसका कमर्शियल फायदा भी देश को होगा। मिशन की कामयाबी से चांद के छिपे कई रहस्यों का पता चलेगा। चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह से जो डेटा इकट्ठा करके देगा वो आगे कई रिसर्च में बेहद अहम होगा। इससे दूर संचार, आईटी और मौसम विज्ञान के अलावा कृषि और उद्योग समेत अर्थव्यवस्था के कई अहम क्षेत्रों से काफी तकनीकी मदद इससे मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, चांद पर पानी और खनिज की संभावनाओं की तलाश में भी चंद्रयान 3 अहम भूमिका निभा सकता है। आपने सुना होगा कि लोग जब किसी जटिल या कठिन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो अक्सर वो रॉकेट साइंस का उदाहरण देते हैं, लेकिन चंद्रयान 3 में जो रॉकेट साइंस इस्तेमाल हुआ है उसे हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देते हैं। बस आपको इतना सा करना है कि इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरे चंद्रयान 3 की पूरी प्रक्रिया ठीक से समझ में आ जाए। किसी भी स्पेस मिशन में सबसे पहले बात आती है रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल की। तो चंद्रयान 3 में जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है उसका नाम है LVM3M4। इस रॉकेट को पहले GSLV MK3 नाम के साथ भी जाना जाता था। चंद्रयान 2 भी इस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। रॉकेट का काम होता है किसी सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाना। रॉकेट का काम खत्म होने के बाद ये वापस धरती पर गिर जाता है। चंद्रयान 3 की तकनीकी विशेषता की बात करें तो LVM3 के लिफ्ट ऑफ के लिए 2S200 ठोस रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल करता है। S200 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ही विकसित किया गया था। साथ ही 115 टन का लिक्विड रॉकेट ईंधन L110 भी अटैच है। इसके साथ ही C25 हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज 28 टन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन चंद्रयान के लैंडर रोवर और प्रोपल्शन मॉडल में लगा है जो अब तक की सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है। अब आपको बताते हैं चंद्रयान 3 के तीन अहम हिस्सों की विशेषताएं। प्रोपल्शन मॉडल का वजन 2,148 किलोग्राम है जिसकी मिशन लाइफ 3 से 6 महीने है और इसका काम लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा में 100 × 100 किलोमीटर तक ले जाना है।
आप समझिए कि इसी प्रोपल्शन मॉडल ने इस मिशन के सबसे संवेदनशील और अहम लैंडर और रोवर को 3,50,000 किलोमीटर का सफर कामयाबी से तय करवाया है। लैंडर विक्रम का वजन 1,726 किलोग्राम का है, जिसकी मिशन लाइफ एक लूनर डे यानी कि 28 अर्थ डेज के बराबर है, यानी कि चांद का एक दिन धरती पर करीब 28 दिनों के बराबर होता है। और तीसरा रोवर प्रज्ञान, जिसका वजन महज 26 किलोग्राम और इसका मिशन लाइफ भी एक लूनर डे है। चंद्रयान का यही वो सबसे अहम हिस्सा है जो चांद की सतह पर चलकर डेटा इकट्ठा करेगा। इसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं और यह सिर्फ लैंडर विक्रम से ही कम्युनिकेट करेगा। लैंडर इस डेटा को इसरो तक पहुंचाएगा। अब जानिए यह मिशन कब और कैसे लॉन्च हुआ। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान दोपहर 2:35 पर लॉन्च हुआ। 5, 4, 3, 2, 1, 0 यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि इतना वजनी रॉकेट कैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सामना करते हुए इतनी तेज गति के साथ ऊपर आसमान की तरफ उठा कि पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिट तक पहुंच गया। दरअसल इसके लिए जब रॉकेट लॉन्च होता है तो ईंधन चालू होते ही आग की लपटें, गर्म धुआं और गर्म गैस भारी मात्रा में छोड़ना शुरू करता है, जो रॉकेट के फ्यूल को जलाने से निकलता है। रॉकेट के ईंधन से निकलने वाला धुआं नीचे जमीन की ओर धकेलता है। इसकी प्रतिक्रिया में रॉकेट तेजी के साथ आसमान की तरफ उठता है। अब इस मिशन का अगला पड़ाव जानिए। 16 मिनट के सफर के बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पहुंचा दिया है, जो कई चरणों में पूरा हुआ। इसके लिए रॉकेट बूस्टर S-200, फिर L-110 लिक्विड स्टेज इंजन, फिर क्रायोजेनिक इंजन ने बारी बारी से अपनी भूमिका निभाई। तो देखिए, रॉकेट लॉन्च होने के बाद पहले तो वो सीधा ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा धरती की तरफ वो मुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसे समझना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि धरती पर मौजूद हर वस्तु गुरुत्वाकर्षण से बंधी है, यानी कि ऊपर उछाली हुई चीज नीचे गिरती है, हम सभी को पता है। लेकिन अगर किसी चीज को बहुत तेजी से फेंका जाए तो गुरुत्वाकर्षण के दायरे से वो निकल जाएगा। जैसे अगर किसी पहाड़ की चोटी से तोप का गोला दाग दिया जाए तो वो कुछ दूर जाकर गिर जाएगा, और अगर ज्यादा ताकत से फायर किया जाए तो वो और भी ज्यादा दूर गिरेगा। लेकिन इसी गोले को अगर पर्याप्त पावर से दागा जाए तो वो गिरने की बजाय धरती के चक्कर लगाने लगेगा और वो कभी भी नहीं गिरेगा। और इससे भी ज्यादा तेजी से दागे जाने पर वो गोला सर्कुलर की जगह इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में मूव करने लगेगा। अब आपको बताते हैं चंद्रयान के अर्थ ऑर्बिट से मून ऑर्बिट तक के सफर में क्या हुआ। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा केंद्र से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई। इसके अगले दिन यानी 15 जुलाई को इसने पृथ्वी की पहली कक्षा में प्रवेश किया। इसके दो दिन बाद 17 जुलाई को चंद्रयान 3 पृथ्वी की दूसरी कक्षा में पहुंच गया। 18 जुलाई को चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की तीसरी कक्षा में प्रवेश किया। भारत का यह महत्वाकांक्षी मून मिशन अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। तय दिशा निर्देशों के मुताबिक 20 जुलाई को चंद्रयान 3 ने चौथे ऑर्बिट में प्रवेश किया। प्रक्षेपण के 11 दिन बाद यानी 25 जुलाई को चंद्रयान 3 ने पांचवें ऑर्बिट में प्रवेश किया। हम धरती पर रहते हैं, चंद्रमा धरती का ही उपग्रह है, लेकिन जब हम किसी स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर भेजते हैं तो उसे पृथ्वी की कक्षा से निकलना होता है। चंद्रयान 3 ने यह काम बीते 1 अगस्त को सफलतापूर्वक कर लिया। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने धरती पर पहली तस्वीर भेजी। चंद्रयान मिशन का एक अहम पड़ाव 6 अगस्त को आया, जब 10,000 से 12,000 किलोमीटर ऑर्बिट शिफ्ट हुआ। फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त को 4,000 से 5,000 किलोमीटर ऑर्बिट शिफ्ट प्रक्रिया पूरी हुई। 14 अगस्त को ऑर्बिट बदलाव किया गया। 15 अगस्त को चंद्रयान 3 ने धरती पर दूसरी तस्वीर भेजी। 16 अगस्त को चंद्रयान 3 के करीब पहुंच गया। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन में एक अहम दिन था, जब प्रोपल्शन से लैंडर मॉड्यूल अलग हो गया। 18 अगस्त को चंद्रयान ने सबसे करीबी ऑर्बिट में प्रवेश किया। 20 अगस्त को लैंडर चांद के बेहद करीब पहुंच गया। और अब 23 अगस्त सबसे निर्णायक तारीख है, जब चंद्रमा पर चंद्रयान की लैंडिंग होनी है।
चंद्रयान 3 के मिशन के फाइनल स्टेप में पूर्व निर्धारित दूरी से लैंडर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और इस दरमियान चंद्रयान की रफ्तार करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी और थ्रस्टर्स की मदद से इसकी रफ्तार को कम करते हुए इसे सतह पर उतारा जाएगा। यह सबसे संवेदनशील और अहम प्रक्रिया होगी क्योंकि इस दौरान एक भी चूक भारी पड़ सकती है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम एक जगह स्थिर रहेगा जबकि लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर चांद की सतह पर चहलकदमी करेगा। अगले 28 दिनों तक चंद्रयान 3 चांद की सतह पर विशेष प्रयोग करेगा। और चलिए अब बात करते हैं चांद की सतह पर उतरने वाले लैंडर की। विक्रम लैंडर में 3 पेलोड है। पहला है रंभा LP। ये चांद की सतह के प्लाज्मा आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी और उसके बदलाव को मापेगा। चूंकि चांद पर वातावरण नहीं है इसीलिए लगातार सूर्य के रेडिएशन पड़ने की वजह से चांद की सतह जल चुकी है। वहां के प्लाज्मा की स्टडी का विशेष महत्व है। दूसरा पेलोड है चंद्रमा के सर्फेस के थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ, यानी कि चंद्रमा की सतह पर तापमान का अध्ययन किया जाएगा। जबकि तीसरा पेलोड लैंडिंग साइट पर भूकंप की संभावनाओं समेत अन्य वैज्ञानिक रिसर्च पर फोकस करेगा। अब ये सारे रिसर्च जो हैं, ये चांद पर जीवन है या नहीं, या पानी की मौजूदगी है या नहीं, या जीवन कितना इंपॉर्टेंट होगा, इन सारी चीजों पर बात करेगा। जबकि प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड हैं। पहला चंद्रमा की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा जबकि दूसरा पेलोड मिट्टी और चट्टानों की संरचना का भी अध्ययन करेगा। कहते हैं कि असफलता से सबक लेने वाले ही सफलता का परचम लहराते हैं। भारत का मिशन चंद्रयान 2 अंतिम चरण में नाकाम हो गया था जब 2019 में इसने क्रैश लैंडिंग की थी। इसी के मद्देनजर चंद्रयान 3 में जरूरी सुधार किए गए। एक दिलचस्प बात यह भी है कि चंद्रयान 2 में हम मंजिल से एक कदम दूर रह गए थे लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, इसीलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, वो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ही काम लेगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया जिससे नेविगेशन में मदद मिली। चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रयान 2 से ज्यादा मजबूत है, यानी कि लैंडिंग का प्रभाव झेलने में ज्यादा सक्षम है। इस बार ज्यादा बड़े सौर पैनल लगाए गए हैं ताकि लैंडिंग के वक्त पावर की कमी ना हो। लैंडिंग के वक्त स्पीड कंट्रोल के लिए एक्स्ट्रा सेंसर्स की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 में फ्यूल ज्यादा है जिससे कि लंबे समय तक बेहतर नेविगेशन हो। इन सब तैयारियों को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रयान 3 चांद पर बड़ी कामयाबी के साथ सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और इसके साथ ही चांद भारत की मुट्ठी में होगा। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन है। ये स्पेस में भारत के बढ़ते कदमों का ज्वलंत प्रतीक है। चंद्रयान 3 सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं बल्कि अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर भारत की वैज्ञानिक क्षमता और शक्ति की एक नई पहचान है। चंद्रयान 3 भारत की अंतरिक्ष क्रांति का वो सफल और सुनहरा अध्याय साबित होगा जिसकी चमक चांद से भी ज्यादा होगी। महादेव अपने भक्तों को देते हैं हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति। जब पूरी दुनिया करवट ले रही थी तो हमारा सनातन हिंदू धर्म दौड़ दिया था महाराज। उसी तरह वैद्यनाथ गाय का देसी घी देता है आपको एक सेहतमंद जीवन जीने की शक्ति। इसमें है ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ए डी और ई की ताकत। वैद्यनाथ काऊ घी सेलिब्रेट द रिलीज ऑफ OMG 2 ऑन 11th August इन थिएटर नियर यू। उत्तर प्रदेश अब गुंडे और माफियाओं से सुरक्षित हो चला है। प्रदेश कभी इन गुंडे और माफियाओं से त्रस्त था लेकिन आज सुरक्षित महसूस कर रहा है। माफियाओं पर सख्त योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति ने उत्तर प्रदेश के अपराधियों की कमर तोड़ दी है। योगी सरकार का अपराधियों पर ऐसा चाबुक चला है कि प्रदेश में माफिया और अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित 2,819 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त की जा चुकी है।
प्रयागराज में भी एक भूमाफिया की जमीन को मुक्त करा करके 76 गरीबों को वहां भी आवास दिया है। योगी सरकार की माफिया पे अपराधियों पर एक कड़ी नजर है और उनकी तरफ से इस पे काबू पाने के लिए और जो अगर उनके लफ्जों का इस्तेमाल किया जाए तो माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए कोई सूरत छोड़ी नहीं जा रही है, कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। महिला सुरक्षा को देखते हुए प्रदेश के 74 जनपदों में 79 महिला पुलिस चौकी परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है। योगी जी की राज में हर महिला अपने आप को सुरक्षित कर मानती है और रात या दिन हो किसी भी समय निकल सकती घर से बाहर। बहुत अच्छा है, हमारी पुलिस व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। वही यूपी सरकार के आदेश पर महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्या, डकैती, माफिया आदि क्राइम में अपराधियों को तत्काल हिरासत में लेकर अदालती कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। आज इन माफियाओं के आतंक से राज्य को जहां तसल्ली मिली है, वहीं उद्योगपतियों को भी सुरक्षा का एहसास हुआ है, जिससे राज्य प्रगति के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है। अब सब कुछ गीता पर, क्या करेगी वो? चिक 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 चिक। ये चिक चिक क्या है? चिक मतलब बालों की प्रोटीन थेरेपी। नए चिक शैम्पू में है फ्लैक्स सीड प्रोटीन और ब्लैक टी, जो आपके बालों में प्रोटीन की गुडनेस बनाए रखे और उन्हें बनाए 2x स्ट्रॉन्ग और शाइनी ब्लैक। चिक स्ट्रॉन्ग एंड ब्लैक शैम्पू, बालों की प्रोटीन थेरेपी। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं। जब कहा गया देश में सोलर पावर सफल नहीं हो सकता, हमने सुना नहीं, उसे सफल कर दिखाया। सवाल उठे, एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस अब तक कैसे पहुंचेगी? हमने पहुंचा दी। कहा तो ये भी गया पैकेज फूड बिजनेस हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने कर दिखाया। मुश्किलों की नहीं सुनते अदानी, हम करके दिखाते हैं। लाइफ में हम सबसे बेस्ट को खास सेलिब्रेशंस के लिए बचा के रखते हैं, लेकिन मेरे घर में सबसे बेस्ट हर रोज। सस्ते से स्वास्थ्य ना करें खराब, अपनाइए श्री श्री तत्व गाय का शुद्ध घी, बनाए हर दिन को स्वस्थ और स्पेशल। सह प्रायोजक राजधानी बेसन, ओकेजन है तो राजधानी बेसन है, और भारत के पहले कंबाइन निर्माता करतार कंबाइन। प्रस्तुत करता एसी चाहिए वैल्यू प्लस, आइए वैल्यू प्लस, रिश्ता विश्वास का। हवा खुशबू लुटा दे जब गैस सताए यूनियन एंजाइम लो, इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियन एंजाइम, गैस भगाओ खाना बचाओ। अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो मुझे लगा मेरा सपना पूरा हो गया। नौकरी से सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे परिवार को भी एक नई उम्मीद मिली है। हर कदम पे मिल रही है एक नई उमंग, हर नगर पे सज रहे हैं जिंदगी के रंग। हौसले, उम्मीद, खुशियां चल रहे हैं संग, चल रहे हैं संग। जब हमें यहाँ नौकरी मिल रही है तो हमें बाहर जाने की क्या जरूरत है? सरकारी नौकरी मिली है, खुश हूँ। भविष्य की सुरक्षा हो तो झूमती है जिंदगी, अवसरों के झुंड हो तो झूमती है जिंदगी, यूथ के कदमों को झूमती है जिंदगी, झूमती है जिंदगी। इस नौकरी से मेरे सपनों को नए पंख मिल गए। कनाडा जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी,
फिर भगवंत मान सरकार की तरफ से जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो कनाडा जाना कैंसिल। चल रहे हैं राह में नौकरी के दिए, पूरे हो रहे वो वादे हमने जो किए, अब न कोई जाएगा पंजाब छोड़ कर, पंजाब में पंजाब का पंजाब के लिए। पंजाब सरकार के अथक प्रयास का नतीजा है कि लगभग एक साल में 31,629 सरकारी नौकरियां मिली और 12,710 अस्थायी अध्यापक हुए पक्के। ये तो बस शुरुआत है, प्रगति पथ पर अग्रसर पंजाब। अभिमन्यु मोनोजिंक का प्रयोग जो होगा फसलों में कोई रोग ना होगा। नए दौर का अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। इंडिका इजी शैम्पू है कलर, बालों को कलर कीजिए कभी भी सिर्फ 10 मिनट में और रहिए हर मौके के लिए हमेशा तैयार। बी ऑलवेज रेडी विद इंडिका इजी। सोलर एनर्जी से जगमगा रहा यूपी। प्रदेश में विद्युत आपूर्ति को बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके क्रम में प्रदेश सरकार जनमानस को सोलर पैनल पर सब्सिडी भी मुहैया करवा रही है। वहीं किसानों के लिए भी सोलर ऊर्जा से सिंचाई के यंत्रों को चलाने में मदद मिल रही है। सोलर पंप के माध्यम से अगर सोलर पैनल लगा लेंगे तो बिजली का बिल उनका जीरो हो जाएगा। हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट की स्थापना कर रहा है। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 5 वर्षों से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है। सार्वजनिक पथ प्रकाश हेतु 21,197 सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना की जा रही है। यूपी सरकार की योजनाओं के चलते सौर ऊर्जा के प्रति लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ रही है। प्रस्तुत करता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक राजधानी बेसन, ओकेजन है तो राजधानी बेसन है। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। BEW सुपर सीडर, अ प्रोडक्ट ऑफ KS ग्रुप, LMCT यूनिवर्सिटी भोपाल, उत्कृष्टता के 30 वर्ष। मेरा रूप श्रृंगार, सुंदर त्वचा, आकर्षक निखार और भारत के पहले कंबाइन निर्माता करतार कंबाइन। चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग का काउंटडाउन शुरू। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत रचेगा सबसे बड़ा इतिहास। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक जारी। बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री समेत के प्रस्ताव पर मुहर समा। ज्ञानवापी परिसर सील करने समेत 2 मामलों में आज दली सुनवाई। 28 अगस्त को होगी 21 से जुड़ी अगली बहस।